बच्चों क्लास 11th कैसा रहा VSEPR का पिछला पार्ट क्या सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने VSEPR थ्योरी में क्या पढ़ा VSEPR थ्योरी कहती है कि एक सेंट्रल एटम को आप स्फेरिकल पार्टिकल मानो एक सेंट्रल एटम को आप स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट मानो फिर उस सेंट्रल एटम के पास में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वैलेंस शेल के अंदर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दैट मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरीके के पेयर होते हैं जब कभी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड पेयर का पार्टिसिपेशन होता है और लोन पेयर का पार्टिसिपेशन नहीं होता लेकिन वैलेंस शेल के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं डेफिनेटली इसके अंदर रिपल्शन क्रिएट होगा और जब रिपल्शन क्रिएट होगा तो हर इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा दूर इसलिए जाएगा क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना कम रिपल्शन हो जाएगा और जितना कम रिपल्शन हो जाएगा उतनी बढ़िया स्टेबिलिटी हो जाएगी अब सेंट्रल एटम को स्फेरिकली क्यों माना पहले तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सीखा था कि एक एटम ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है लेकिन क्योंकि स्फेरिकल एटम या स्फेरिकल शेप एक ऐसा शेप होता है जो चारों तरफ से प्रॉपरली सिमेट्रिकल होता है मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस एक मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर सकता है एक दूसरे से दूर जाने के लिए एक दूसरे से दूर जाने के लिए वो मैक्सिमम एक दूसरे से मतलब बोलना चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस तक दूर जा सकता है क्योंकि वो एटम पूरी तरीके से है जहां चाहे वहां वो जा सकता है इसलिए आप लोगों ने सेंट्रल एटम को स्फेरिकल माना तो जब ये दूर जाएगा तो जिस हिसाब से ये अपने आप को अरेंज करेगा वही मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा न्यूम ने फर्दर इसके अंदर कुछ चेंजेस करे 1957 के अंदर और हमें यह बताया कि देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल एटम को बिलोंग करते हैं वही जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंट्रल एटम के साथ साथ उस एटम से जो जुड़ा हुआ एटम है जो बॉन्डेड एटम है उसको भी बिलोंग करते हैं दोनों के बीच में शेयर्ड होते हैं इसलिए जो लोन पेयर होता है उसका पूरा पूरा जो अधिकार होता है उसका पूरा पूरा का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो सिर्फ सेंट्रल एटम के पास होने की वजह से लोन पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम होता है उसके बाद बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा लोन पेयर है तो लोन पेयर लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम होगा फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन आएगा और सबसे लीस्ट रिपल्शन बॉन्ड बॉन्ड पेयर पेयर के बीच में देखा जाएगा क्या यहां तक ना वी एस पी आर थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं दैट दैट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टू थ्योरी थ्योरी आप मॉलिक्यूल के शेप्स को दो तरीके से देखेंगे आप यहां पर दो तरीके के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे और उनके शेप को स्टडी करेंगे पहले वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जिनके हम शेप को स्टडी करेंगे तो मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर यानी हम लोग पहले उन मॉलिक्यूल्स के शेप को स्टडी करेंगे हम उन मॉलिक्यूल्स के शेप को स्टडी करेंगे जिनके पास लोन पेयर नहीं है और फिर हम लोग उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे जिनके पास में लोन पेयर है और यही डिफरेंस था नियोम एंड गैलेस्पी की बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का क्योंकि उन्होंने लोन पेयर के कंसेप्ट को डिटेल में बताया था समझ मारी बात आप लोगों को क्या इसके अंदर कोई दिक्कत तो आपके जो नियोम एंड गैलेस्पी ने जो फर्दर इसके अंदर चेंजेस करे थे वो ये करे थे कि उन्होंने लोन पेयर के बारे में डिटेल में बताया था इसलिए अब हमारे पास में जो जो मॉलिक्यूल्स हो गए हमने उनको दो पार्ट में क्लासीफाई कर लिया पहले हम वो मॉलिक्यूल की स्टडी कर लेते हैं जिसके अंदर लोन पेयर नहीं है फिर हम उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर लेंगे जिसके अंदर लोन पेयर है तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि लोन पेयर होना और लोन पेयर ना होने का इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में या मॉलिक्यूल के शेप पर क्या असर पड़ता है क्या यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे वो मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना हम लोग यहां पर सबसे पहले स्टडी करेंगे वो मॉलिक्यूल्स तो लेट्स स्टडी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है कोई दिक्कत पक्की बात आगे बढ़े चलिए सबसे पहले अपन यहां पर लिखेंगे टाइप टाइप के वातावरण लिखेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फिर यहां पर अपन उसके शेप को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे ठीक है प्यारे बच्चों यहां तक किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आगे बढ़े पक्की बात श्योर थिंग चलिए तो पहला टाइप आता है अपने पास में ए बी टू टाइप ab2 जहां पर a हमारा सेंट्रल एटम है और b2 उससे जुड़े हुए एटम है तो जब हम इसके शेप को डिस्कस करेंगे तो नो डाउट ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया अब एक बात बताओ दो b एटम जुड़ने हैं दो b को हमें जोड़ना है अब एक बात बताइए क्योंकि यहां पर दो बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं मुझे यहां पर दो बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं तो अगर मान लीजिए दो बॉन्ड पेयर में से पास-पास बना दूं तो फिर तो इनके बीच में रिपल्शन होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कोशिश करेंगे अपने बीच के रिपल्शन को कम करने की और जब सिर्फ दो बॉन्ड पेयर होते हैं तो बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे के अपोजिट जाकर बैठ जाएंगे इस तरीके से समझ मारी बात आपको कोई दिक्कत तो एक भी यहां अटैच हो जाएगा एक भी यहां अटैच हो जाएगा समझ बात आपको तो ये मॉलिक्यूल आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा ए बी टू यहां पर एक बॉन्ड पेयर यहां पर एक बॉन्ड पेयर इन दोनों ने एक दूसरे से को कितनी दूरी पर रिपेल करा वन एटी डिग्री पर क्योंकि वन एटी डिग्री पर ही यह मैक्सिमम मैक्सिमम दूरी बना सकते हैं यानी अगर एक लेफ्ट हो गया तो एक राइट right हो जाएगा समझ में आ रही बात आपको अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे होते तो देखो यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम था अगर ये ऐसे होते तो भी इनके बीच का डिस्टेंस कम था अगर ये ऐसे होते तो भी डिस्टेंस कम था ऐसे होते तो भी डिस्टेंस कम था लेकिन अब देखो अब डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया मतलब जब एक दूसरे से वन एटी डिग्री का एंगल बना लेंगे क्योंकि 180 डिग्री का एंगल ही इन्हें क्या दे पाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस दे पाएगा और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना मिनिमम रिपल्शन होगा मतलब अब ये बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बिल्कुल ना के बराबर है बिल्कुल जीरो है ठीक है एग्जाम्पल बेरेम क्लोराइड, क्लोराइड इसका बेस्ट बी है एल क्लोराइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या इसके अंदर कोई दिक्कत क्या इसके अंदर कोई परेशानी तो बेरेलियम क्लोराइड के अंदर बेरेलियम बीच में आ जाएगा और बी की जगह कौन आ जाएंगे क्लोरीन आ जाएंगे क्या बात समझ में आ गई एक एग्जाम्पल एक अपन और नोट कर लेते हैं एच जी सी एल टू मर्क्यूरी क्लोराइड तो ये दो एग्जाम्पल होगा जिसमें ए बी टू टाइप का शेप रहेगा क्या ये चीज क्लियर हुई ना एक और खास बात इस शेप को नाम क्या देंगे तो ये जो शेप रहेगा आप देखें मैथमेटिकली बच्चे बिल्कुल समझ जाएंगे कि सर इसको जाता है लीनियर तो यस वो सारे मॉलिक्यूल जिनमें कोई लोन पेयर नहीं होता और सिर्फ दो बॉन्ड पेयर होते हैं उनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है और शेप क्या हो जाता है लीनियर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ए बी थ्री टाइप के मॉलिक्यूल्स की यहां पर बॉन्ड पेयर थ्री होंगे अब यहां पर एक बात समझो एक चीज़ इमेजिन करो अगर मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल ये ए है तो एक बी में यहां लगा दूँ लुविस के हिसाब से एक बी यहां लगा दूँ लुविस के हिसाब से तो एक बी यहां लगा दूँ तो यहां पर लफड़ा ये हो रहा है कि इन दोनों बॉन्ड एंगल्स में तो 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया लेकिन इन दोनों में 90 डिग्री आ गया क्या बात समझ में आ रहे हो तो यहां पर इन दोनों बॉन्ड पेयर में इन दोनों बॉन्ड पेयर में तो मैक्सिमम रिपल्शन अचीव हो गया लेकिन इनमें और इनमें मिनिमम हो गया तो यहां पर लुइस कॉसेल कंसेप्ट आप देख रहे हो फिर फेल हो गया वो फिर फेल हो गया तो यहां पर क्या किया जाए यहां पर क्या किया जाए कि मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर लिया जाए तो यहां पर जो ए नाम का एटम है वो अपने आप को देखोगे कुछ इस तरीके से अरेंज करेगा यहां पर लग जाएगा बी एक बॉन्ड पेयर आ जाएगा यहां पर इस तरीके से एक बॉन्ड पेयर यहां पर चले जाएगा इस तरीके से और एक बॉन्ड पेयर यहां पर चले जाएगा इस तरीके से तो यहां पर आप जब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपने एक सर्कल बनाया है ये सर्कल का सेंटर पॉइंट और आपने सर्कल को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है हम सब जानते हैं सर्कल ओवरऑल थ्री सिक्सटी डिग्री का होता है तो हर एंगल यहां पर कितने का बनेगा वन ट्वेंटी डिग्री का बनेगा वन ट्वेंटी डिग्री ईच और यहां पर आप देख रहे हो यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हर बॉन्ड पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन अचीव हो रहा है तो क्योंकि यहां पर मैक्सिमम रिपल्शन अचीव हो रहा है हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसे बुला दिया जाता है वन ट्वेंटी डिग्री ईच अब यहां पर इसके शेप की बात करते हैं एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आप देखे यहां पर शेप कैसा दिख रहा है ये है। ये ए है इस तरीके से यहां पर एक आ गया बी और एक यहां पर आ गया इस तरीके से तो ये देखो आपको इस तरीके से पर एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा ए के आसपास तो बिल्कुल ये ट्राइंगल है बिल्कुल ये ट्राइंगल है अच्छा और हमने इसको डिवाइड कैसे किया हमने बोला कि एक सर्कल है हमने बोला एक सर्कल है और सर्कल को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो बताओ क्या सर्कल एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है नहीं वो एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और टू डायमेंशनल जो चीजें होती है वो हमेशा प्लेनर होती है मतलब सिर्फ एक प्लेन पर बनाई जा सकती है एक पेपर पर एक चपटे से पेपर पर या एक चपटे से बोर्ड पर बनाई जा सकती है इसे रियल लाइफ में थ्री डायमेंशनली बनाई नहीं जा सकती तो अब प्लेनर क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर है ये थ्री डायमेंशनल थोड़ी है ये तो टू डायमेंशनल है क्योंकि 120 120 120 ये एक सर्कल को काटने पर बनता है तो ये प्लेनर है और शेप कैसा ऑक्यूपाई कर रहा है ट्राइंगल जैसा तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्राइंग ट्राइगोनल प्लेनर क्या नाम पड़ गया इसका ट्राइगोनल क्योंकि ये ट्राइंगल बना रहा है ए के आसपास तीन भी और प्लेनर क्योंकि ये चपटा है ये एक बोर्ड पर टू डायमेंशनली बन गया है इसलिए इसको लगाता है ट्राइगोनल प्लेनर क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग यहां पर ले सकते हैं बी सी एल थ्री बेरेलियम किसी क्लोराइड क्योंकि का कोई भी लोन नहीं है इसलिए यह शेप यहां पर ऑक्यूपाई किया जा सकता है आप बी एफ थ्री भी यहां पर लिख सकते हैं ऐसे बहुत सारे फिर आपके पास में एग्जाम्पल हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं ए बी फोर टाइप की इसके अंदर चार इसके अंदर चार बॉन्ड पेयर है अब लफड़ा ये होता है अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप यहां पर एक सर्कल ले लो और अगर आप इस सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड करो तो अब यहां पर आएगा 90 डिग्री अब 90 डिग्री 90 डिग्री थोड़ा सा कम एंगल हो गया 90 डिग्री थोड़ा सा कम एंगल हो गया भाई 120 तक बात ठीक थी लेकिन यहां पर यह थोड़ा सा कम हो गया तो यहां पर आपका सेंट्रल एटम ए सोचेगा कि यार ये कम हो गया तो क्यों ना मैं, मैं अपने स्फेरिकल होने का फायदा उठाऊं यहां पर ये क्या बोलेगा क्यों ना मैं अपने स्फेरिकल होने का फायदा उठाऊं और कुछ इस टाइप का बॉन्ड एंगल बनाया जाए देखिए एक बॉन्ड बाहर एक बॉन्ड ये देन एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये कुछ इस प्रकार का ये देखिए अब आप यहां पर देख रहे हो इस प्रकार आप देखो एक सेकंड बस ये बन गया अब आप यहां पर देखिए ये ब्लैक मार्कर ये ऊपर जा रहा है ये ब्लैक मार्कर इस तरीके से पीछे जा रहा है ये एक दो एक ये फ्रंट पर आ रहा है और एक ये आपके बैक में जा रहा है तो ये जो बॉन्ड एंगल्स आपको चार बॉन्ड्स दिख रहे हैं अब ये थ्री डायमेंशनल हो गए ये कैसे हो गए ये थ्री डायमेंशनल हो गया मतलब अगर ये मार्कर दिख रहा है तो ये ये वाला मार्कर आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि ये इसके एग्जैक्टली exactly पीछे है समझ में आ रही है आपको बात कोई दिक्कत अंदर किसी भी तरीके की परेशानी तो यहां पर क्या होता है यहां पर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होने की वजह से ए क्या बोलता है क्योंकि मैं स्फेरिकल हूं भाई मैं तो एक रियलिटी में गोला फुटबॉल हूं तो मेरे एक बॉन्ड पीछे एक बॉन्ड आगे एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड ऐसे बनाया जा सकता है तो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करने के लिए यहां पर एक कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा एक बी यहां बन जाएगा ठीक है एक बी कहां बन गया यहां बन गया एक बी यहां बन गया एक बी इस तरीके से यहां बन गया और एक बी इस तरीके से यहां बन गया नो बेटा दिस बॉन्ड ये जो डैश 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 डैश, डैश, डैश लाइन से मैंने बनाया है ये बिहाइंड द प्लेन है मतलब ये बोर्ड के पीछे है और ये वाला जो बॉन्ड है ये बो, बोर्ड के आगे है मतलब ये कुछ इस तरीके से है ये जो बॉन्ड है ये आपको बाहर दिख रहा है आपकी तरफ और ये जो डॉट 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 वाला बॉन्ड है ये पीछे की तरफ है जो आपको दिख नहीं रहा है तो ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हो गया क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट पक्की बात श्योर श्योर इस इस शेप में हर जगह का बॉन्ड एंगल आपको 109.5 जीरो डिग्रीज देखने को मिलता है और इस तरीके के शेप को बोला जाता है टेटरा हेड्रल शेप दिस इज योर टेट्रा हेड्रल शेप कौन सा शेप टेट्रा हेड्रल शेप इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मीथेन एंड NH4 पॉजिटिव आयन तो ये यहां पर आपको टेट्रा हेड्रल शेप देखने को मिलेगा इसके अंदर हर बॉन्ड एंगल हर बॉन्ड एंगल ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला हर बॉन्ड एंगल हंड्रेड एंड का देखने को मिलता है क्या ये तीन शेप क्लियर हो गए क्या ये तीन शेप अच्छे तरीके से क्लियर हो गए पक्की बात इन दोनों का बॉन्ड एंगल एक सो नो इन दोनों का बॉन्ड एंगल नो इन दोनों का, का इस बॉन्ड फड़ इसके बाद इसको रब करके हुए दो शेप हम और डिस्कस करेंगे बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन ओ मेरे प्यारे बच्चे हो गया चलिए इसको रब करके आगे बढ़ते हैं ओ अपना पुत्र मोनू आगे बढ़े चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आईपी दैट इज ए बी फाइव इसके अंदर आपको यहां पर फाइव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आई मीन बॉन्ड पेयर मिलेंगे कैसे बनेगा स्ट्रक्चर देखिए ये हो गया ए एक बी यहां बना दीजिए तो एक बी यहां बना दीजिए एक बी यहां बना दीजिए एक भी यहां बना दीजिए अब ये चार बन गए और एक भी देखो मैं छोटे से मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये बाहर निकल रहा है इट इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन लाइक दिस तो ये ए जो है ये इस तरीके से बाहर आ रहा है क्या यहां तक की बात समझ में आ गई नाउ गाइस अगर आप इसको इमेजिन कर पाओ तो प्लीज इसको ऐसे इमेजिन कीजिएगा कि ये जो बी है ये दोनों मार्कर के मुंह पर बैठा हुआ है ये इस तरीके से ये ये कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है आ रही है बात आप लोगों को समझ में समझ गए तो ये बी और ये बी और ये वाला जो भी है यह कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है ये तो इनके बीच में ट्राइंगल बन रहा है देखो ये, ये और ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ये इनके बीच में क्या बन रहा है ट्राइंगल बन रहा है समझ में आ रही बात आप लोगों को तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री चलेगा इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री चलेगा समझ आई बात आप लोगों को तो ये एक ट्राइंगल बन गया तो हम इसे बोलेंगे इसके शेप के लिए लिखेंगे ट्राइगोनल ट्राइगोनल तो बन गया चलिए ट्राइगोनल तो बन गया अब अब वक्त है एक और चीज अच्छा इतना विजुअलाइज कर लिया पहले इतना देख लो पहले इतना देख लियो ट्राइगोनल बन गया पक्की बात क्या मैं इसको रब कर सकता हूं मतलब ये ब्लू कलर की लाइंस को चलिए ट्राइगोनल आप सबने इमेजिन कर लिया आप सबके दिमाग में आ गया अब यहां से इसको रब करके हम लोग बाय पिरामिडल की तरफ चलते हैं बाय पिरामिडल सर मतलब अब यहां पर अपन इमेजिन करेंगे एक पिरामिड को अब हम यहां पर क्या इमेजिन करेंगे एक पिरामिड को ये देखिए ये ये दो पिरामिड बन गए एक पिरामिड नीचे बन गया एक पिरामिड ऊपर बन गया समझ मारी बात आप लोगों को और उसके अलावा ये इधर से कनेक्टेड है इस तरीके से देन ये इससे कनेक्टेड है इस तरीके से एंड देन ये इससे कनेक्टेड है इस तरीके से तो ये जो आपके सामने शेप बन रहा है बेटा दिस इज कॉल्ड एस बाय पिरामिडल यानी कि दो पिरामिड्स। तो इसका शेप क्या कहलाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या ये चीज क्लियर हो गई मतलब एक पहले अपन ने ट्राइंगल बना लिया और फिर उसके ऊपर दो पिरामिड खड़े कर दिए तो इसको अपन वापस से अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं ये हो गया पर एक बी यहां पर एक बी यहां, यहां, यहां पर अच्छा इन बीस के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा नो डाउट नाइन्टी डिग्री तो ये जो चार बी है इनके बीच का बॉन्ड एंगल नाइनटी रहेगा और ये वाला जो बी बना है ये वाला जो बी बना है इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा ये देखो यहां से लेके यहां तक का 120 डिग्री समझ गए यहां से लेके यहां तक का बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री तो यहां पर दो अलग अलग शेप्स हैं एक शेप ये चल रहा है ट्राइगोनल ये जो मैंने डॉट 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 लाइन से बना दिया और एक चल रहा है बाय पिरामिडल यानी दो जो पिरामिड्स बन गए एक पिरामिड आप इस तरीके से बना दो और एक पिरामिड आप इस तरीके से बना दो दिस इज योर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में आपको दो बॉन्ड एंगल्स देखने को मिलेंगे 120 डिग्री एंड 90 डिग्री क्या बात समझ में आ गई इसका बेस्ट एग्जांपल है PCl5 PCl5 इसका बेस्ट एग्जांपल है ठीक है चलिए इसको नोट कीजिए इस शेप को फटाफट -फड़ से नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों फिर इसको रब करके आगे बढ़ते हैं चलो करो 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 रो, इसको रब कर, नोट करके आगे बढ़ते हैं ठीक है ये इस तरीके से भी कनेक्ट होता है ये, देखो। ये आया और ये हुआ तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। कुछ बॉन्ड इसके अंदर नाइन्टी डिग्री के रहेंगे, और कुछ इसके अंदर 90 डिग्री के रहेंगे। ये आपको बहुत ईजी समझ में आ गया ये जो चार बॉन्ड ये ये, ये नाइन्टी ये डिग्री और बाकी के 120 ट्वेंटी डिग्री दिस इज योर ए बी फाइव टाइप ऑफ मॉलिक्यूल करें इसको रब ले लिया इसका स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के बाद हमारे पास में एक और लास्ट टाइप का मॉलिक्यूल आता है कॉल्ड ए बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें छह बॉन्ड पेयर दिखते हैं ए बी सिक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इसको अपन बनाते हैं ए ठीक है ये हमने बनाया ए एक बी इधर एक बी इधर दो तीन चार पांच ये आपके छह मॉलिक्यूल्स हो गए अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए कैसे जुड़ेगा ये बी से ये भी, ये भी से ये भी, ये भी से ये से से और ये बी से ये ठीक है उसके बाद ये भी से, से जुड़ जाएगा और इस बी से, से जुड़ जाएगा तो आपको एक स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है देखो यहां पर आपको एक इस तरीके का स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है एक यह, एक यह, और ये ट्राइंगल आपस में कनेक्टेड ये तो इस तरीके के शेप को बोला जाता है ऑक्टा हेड्रल दिस शेप इज कॉल्ड एस ऑक्टा हेड्रल तो मेरे प्यारे बच्चों इसे बोला जाएगा ऑक्टा हेड्रल जोमेट्री यानी इसका जो शेप होगा वो क्या कहलाएगा ऑक्टा हेड्रल शेप और यहां पर हर किसी का हर किसी का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ही पाया जाएगा क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इट इज नॉट टू डी इट इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका एग्जाम्पल है एस एफ सिक्स तो गाइज ये छह तरीके के शेप्स आप लोगों को याद रखने हैं ये उन मॉलिक्यूल्स के अंदर देखे जाते हैं जिसके अंदर कोई भी लोन पेयर ना हो जल्दी से इसको ले लीजिए इसका स्क्रीन ताकि एक बार में पूरी आपके सामने यहां पर एक समरी लिख दू ले लिया इसका स्क्रीन करें इसको रब चलिए तो अब हम लोग फटाफट फड़ से एक बार सभी का समरी लिख लेते हैं पहला टाइप ए बी टू ए बी टू इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेप लीनियर एग्जाम्पल बेरेलियम क्लोराइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड शेप हम लोग देख चुके हैं शेप कैसा होता है ऐसा ठीक है शेप कैसा होता है लीनियर यानी कि कुछ इस तरीके का फिर नेक्स्ट आता है ए बी थ्री टाइप तीन बॉन्ड पेयर शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल ए इस तरीके से इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एग्जांपल क्या था इसका BCl3 या BF3 इसके बाद हमें पास में आता है AB4 टाइप चार बॉन्ड पेयर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री शेप क्या कहलाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी दिखती है एक दो एक बॉन्ड बाहर एक बॉन्ड अंदर इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री दिखती है ऐसा ठीक है एग्जाम्पल मीथेन एंड अमोनियम आयन उसके बाद ए बी फाइव पांच बॉन्ड पेयर कुछ का बॉन्ड एंगल 120 कुछ का बॉन्ड एंगल 90 इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ध्यान रखिएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ठीक है सॉरी अच्छा इसको ट्राइगोनल सॉरी 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 ट्राइगोनल प्लेनर गाइस ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है ट्राइगोनल बायपिमिडल का शेप कैसा होगा ए एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर इस तरीके से इसका शेप होगा ये अटैच देन ये अटैच्ड और फिर ये अटैच तो ये इसका शेप हो जाएगा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पी सी एल फाइव एंड देन लास्ट इज ए बी सिक्स छह बॉन्ड पेयर सबका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री शेप ऑक्टा हेड्रल ये बनेगा ऐसा एक दो तीन चार पाँच छ बस इन सबको कनेक्ट कर दो इसका शेप बनाना कंपेरेटिवली ईजी होता है एंड इसका एग्जाम्पल होता है एस तो गाइज ये आपके उन मॉलिक्यूल्स के शेप्स की बात हो गई जिनमें किसी भी प्रकार का लोन पेयर नहीं होता सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है और बॉन्ड पेयर अपने आप को इस तरीके से ही हमेशा एडजस्ट करेंगे इन शेप्स को अच्छे तरीके से देख लीजिए इसको रब करके बाद उन मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करेंगे जिसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो पहले इसको जरा फटा फटाफट से देख लीजिए